Hello students, welcome to our canonical classes. In the last videos, we studied about mole concept and its formulation. But in this video, we are going to learn how to solve numerical problems based on moles. तो चलिए फिर start करते हैं जल्दी से numericals कैसे solve करते हैं mole concept पे. Fine. तो सबसे पहले हम heading ही डाल लेते हैं क्योंकि आज का हमारा topic numericals है. तो चलिए पहले numericals, numerical problems. ओके क्लियर टू एवरीवन. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो देखिए जब भी हम बात करते हैं कि मोल के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो हमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए फॉर्मूलाज ऑफ मोल. तो सबसे पहले हम मोल के फॉर्मूला लिख लेते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी की बात करें अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लें ठीक है तो हमारे पास क्या होती है गिवन क्वांटिटी गिवन अमाउंट लिखो या गिवन क्वांटिटी लिख दो एक ही बात है गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय योर एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है जहां पर आपकी एवोगाड्रोस नंबर एन ए की वैल्यू क्या आती है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीजें होती हैं. क्लियर है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको ये चीजें ध्यान देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आयंस लिखा है आयंस लिखा हुआ है जिसको नहीं समझ रहा है वो देख ले अच्छे से. ठीक है सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या था सेकंड फॉर्मूला मोल का क्या था गिवन मास जिसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रही हूँ डब्ल्यू इज योर गिवन मास कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे गिवन मास. ओके जो भी आपको मास गिवन है या फिर वेट ले लीजिए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास. मॉलिक्यूलर मास हम कब यूज करेंगे जब हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन होगा और एटॉमिक मास हम कब यूज करेंगे जब हमें क्या गिवन होगा उसका एटम गिवन होगा कोई. ठीक है फॉर एग्जांपल अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. चलिए तो लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं. फर्स्ट आपको क्या गिवन है पहला आपको गिवन है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है बी पार्ट आपको गिवन है 19.6 ग्राम ऑफ H3PO4 ग्राम ऑफ H3PO4 ओके पहले अभी यही करते हैं पहले इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं. चलिए हमें क्या गिवन है 10 ग्राम ऑफ CaCO3. किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो ये रहती है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है आपको सबसे पहले वो लिखना है. फाइन तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से हमें वो कैलकुलेट करना है. ठीक है ए पार्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और हमें गिवन क्या क्या है 10 ग्राम मतलब गिवन मास है गिवन मास हमें गिवन है. ठीक है गिवन मास जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से तो आपको कितना गिवन है 10 ग्राम्स गिवन है. तो मोल अब देखिए मास और मोल का क्या कोई रिलेशन है हम इन चीजों को रिलेट करना सीखेंगे कि मोल का और इसका वेट का या मास का कोई रिलेशन है तो हमें पता है यस मोल और वेट का एक रिलेशन है जो कि हमने भी फॉर्मूला फाइंड आउट किया था एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ पे वही फॉर्मूला पुट करते हैं एन इज इक्वल टू गिवन मास गिवन मास डिवाइडेड बाय योर मॉलिक्यूलर मास. ठीक है एन आपको फाइंड आउट करना है गिवन मास आपको 10 ग्राम गिवन है अब आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा. और मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने आपको वीडियोज में सिखा रखा है लेकिन फिर भी एक बार चलो देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल मास आपने कैसे फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने का. हमारे पास क्या है CaCO3 है. ठीक है सबसे पहले तो लिखेंगे कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका 40 प्लस मतलब हर एक एलिमेंट के बाद आपने प्लस का साइन लगाना है. कैल्शियम उसके बाद कार्बन का कितना होता है 12 प्लस उसके बाद आपके पास क्या है ऑक्सीजन 16 कितना ऑक्सीजन है 3 तो ये टोटल करके आपके पास टोटल कितना हो गया 16 3 48 ये कितना हो गया 48 प्लस 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 कितना आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास 100 amu आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया है 100 यूनिट्स आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया. क्लियर है अब इस मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूले में पुट करिए गिवन मास आपको गिवन है तो n की वैल्यू आपके पास बहुत ही आसानी से आ जाएगी. तो चलिए जरा देखते हैं कैसे. ठीक है हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम
ये फॉर्मूला था। तो वैल्यूज पुट करें, यहां पर वैल्यूज देखिए क्या पुट करेंगे। गिवन मास हमें कितना है 10, डिवाइड किससे करेंगे 100 से, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका 100 आया, तो कैंसिल करिए इससे इसको, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो n की वैल्यू आई है, n की वैल्यू कितनी है 0.1, ये 0.1 मोल जो है ये आपका क्या आ गया, आपका n की वैल्यू 0.1 मोल आ गई है। ठीक है, उसी तरफ अब हम बी क्वेश्चन, बी पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बी में हमने क्या लिखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहां पर भी हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है, बिल्कुल भी गिवन नहीं है, तो उसको भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर गिवन मास, गिवन मास, तो आपका गिवन मास कितना है यहाँ पे 90.6 ग्राम। ठीक है, गिवन मास ये है, फिर से वही फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे H3PO4 का, H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या फाइंड आउट होके आएगा, तो देखिए पहले 3 × 1 ये आपका हाइड्रोजन, प्लस आपका जो फॉस्फोरस है वो कितना है 31, प्लस 4 × 16, प्लस 4 × 16। ठीक है, 4 × 16 करके आपने निकाल दिया, तो टोटल करके जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 98, कितना आएगा 98। ठीक है, आप लोग अपनी उसमें कैलकुलेट करके प्रॉपरली देख लेना, 98 इसका आंसर आएगा। अब इसकी वैल्यूज भी पुट करते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, गिवन मास, गिवन मास कितना है 19.6, मॉलिक्यूलर मास कितना है 98। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद, इसको कैंसिल करने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज 0.2। इसका मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आई है वो आपकी आई है 0.2 मोल्स, कितनी आई है 0.2 मोल्स। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था ये मोल्स को फाइंड आउट करना, नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक्स में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 mg ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन, लिखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.6 mg ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 3.6 mg ऑफ ग्लूकोज में फाइंड आउट करना है आपने। अब आपके पास सबसे पहले तो हमने लिखना है गिवन, वही सेम फंडा हमारा रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, गिवन क्या क्या गिवन है आपको, मास गिवन है। ठीक है, गिवन मास है हमारे पास, गिवन मास किसके इक्वल है आपका 3.6 mg के इक्वल है। ओके, क्लियर है इतना। उसके बाद आपको निकालना क्या है, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, है ना। तो फॉर्मूला मास और एन का क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है मास और एन का, डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यहां से हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 6 × 12, क्योंकि 12 मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है कार्बन का, और 6 क्या है, एटम्स है उसके, प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16। ठीक है, जो टोटल करके आपको फाइंड आउट करके कितना आ जाएगा, 180 यूनिट आपका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा ग्लूकोज का वो कितना आएगा, 180 यूनिट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहां पर नोटिस करनी है, दैट इज आपको जो मास गिवन है, आप इस चीज को ध्यान दें, जो भी आपको मास गिवन है दैट इज 3.6 mg, है ना। तो यहाँ पे हमें ग्राम में चाहिए, हमें एमजी के अंदर नहीं चाहिए, तो इस एम को हटाने के लिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एम मतलब मिली, है ना। तो 3.6 को हम मिली को की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10^-3 ग्राम्स, 10^-3 किसके इक्वल होता है, 1 मिली के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिली इज इक्वल टू 10^-3। ये आपको याद रखना है, ये आपके बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बेसिक है, ये आपको कहीं भी आपको एमजी मिल जाएगा और उसको ग्राम में चेंज करना है तो बस आप 10^-3 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, तो अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेट आपको कितना गिवन है, 3.6 × 10^-3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, अब हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 180 से आपने डिवाइड किया। ठीक है, कैलकुलेट करके इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी आपकी मोल्स में वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कितना आया, कैलकुलेट करिए इसको जल्दी से स्पीड। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ MgCl2। ठीक है, इसको ए पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं,
एंड 0.5 मोल ऑफ CO2। ओके, तो लास्ट क्वेश्चंस के अंदर अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मोल्स गिवन है, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, मोल्स गिवन है और आपको मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको लिखना होता है कि आपको गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है आपको, एन इज इक्वल टू 0.2, आपको एन की वैल्यू गिवन है 0.2 मोल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको मास निकालना है, कौन सा वाला मास, गिवन मास निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं गिवन मास, मतलब जिसको हम W से डोनेट करते हैं। गिवन मास की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, लेट से X, हमने उसको लेट अज्यूम कर लिया, ठीक है, उसको X अज्यूम कर लिया, उसको W रहने दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं मास और नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन है। तो N इज इक्वल टू W अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास आ गया, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, ठीक है। ये आपके पास जो गिवन मास है ये आपको फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर मास आपको निकालना पड़ेगा। तो मोलिकुलर मास किसका निकालना है हमें, मोलिक्यूलर मास हमने निकालना है MgCl2 का। तो MgCl2 का मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए 24 किसका एटॉमिक मास हो गया Mg का, प्लस 35.5, ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक मास है किसका, क्लोरीन का, इनटू किसको किया 2, क्योंकि दो क्लोरीन थे हमारे पास। तो ये टोटल कितना आ गया, 24 प्लस 71, जो कि किसके इक्वल है आपके पास, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी, 95 की इक्वल होगी ना, 4 प्लस 1 5 और 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या होगी, 95। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखना ध्यान से वैल्यूज को कैसे किया हमने। एन एन हमारे पास यहीं पे पुट करते हैं, एन कितना था आपके पास, 0.2 था, इज इक्वल टू किसके इक्वल था, W हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम X ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन 95। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो X की वैल्यू कैसे आ जाएगी, X इज इक्वल टू 95 × 0.2। तो जो आपके पास आंसर आएगा 95 × 0.2 करके, वो आएगा 19 ग्राम्स। तो W आपका कितना आ गया, 19 ग्राम्स। इस तरह से आपने क्वेश्चन क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, क्लियर है। तो वहीं चलिए अब आपका सेकंड पार्ट, पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी के अंदर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन हमें एन की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.5, ठीक है। डब्ल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो मोलिक्यूलर मास आप निकाल ही लें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, यही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए मोलिक्यूलर मास किसका निकालना है आपको, CO2 का, ठीक है। मोलिक्यूलर मास हम निकालेंगे किसका, CO2 का, CO12 प्लस 16 × 2, यही होगा आपके पास। तो 12 प्लस 16 × 2, तो ये मोलिकुलर मास कितना आ गया, 44 यूनिट्स, ये यूनिट्स यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 44 यूनिट्स आपका क्या आ गया, मोलिकुलर मास आ गया। अब इसको वैल्यूज पुट करिए, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, क्लियर है ये, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है, 0.5, W आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको 44 गिवन है। तो फिर से कुछ जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 44 को उधर लेके जाओ, तो W इज इक्वल टू 0.5 × 44 आ गया आपका, 0.5 × 44। और जब आपने 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका आंसर आएगा, W की जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, 22.0 ग्राम्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बस कुछ नहीं करना है, जो भी आपको गिवन है और जो आपको फाइंड आउट करना है, उन दोनों के बीच में बस रिलेशन देखिए, आपको पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आप आगे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम राइट डाउन क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.12 ग्राम आयरन, ठीक है, 1.12 ग्राम आयरन, 1.12 ग्राम आयरन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं आपको 1.12 ग्राम के अंदर, क्लियर है इतना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले हम वही लिखेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, है ना, हमें क्या क्या गिवन है, हमें मास गिवन है, W की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.12 ग्राम, ये गिवन आप तो सबको पता लग गया। यहाँ पर W क्या है, वेट, जो आपको गिवन मास होता है, ठीक है, तो दैट इज W, और वो आपको कितना गिवन है, 1.2 ग्राम। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं,
ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स का, और आपको यहाँ पे n n की वैल्यू भी गिवन नहीं है, मतलब वेट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला तो आप यही लगाओगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास इस फॉर्मूले से आप मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि आयरन है, तो एटॉमिक मास यूज करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले जो भी आपको गिवन होता है उसमें आप देखिए रिलेशन क्या है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के आपके पास फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू, ठीक है, एन अपॉन एन ए, यही फॉर्मूला है कि जो भी गिवन क्वांटिटी होगी, नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिवाइडेड बाय आपका एवोगाड्रोस नंबर, वो आपको क्या फाइंड आउट करके दे देंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों में मोल्स तो कॉमन है, ठीक है, तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए, उसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, सो सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि यहां से मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए N इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है, 1.12, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आयरन का, एटॉमिक मास कितना होता है, आयरन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 56। मैंने मॉलिक्यूलर मास वाले जो वीडियो था उसमें सबके एटॉमिक मास आपको लिखवाए हैं, वो आप अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास आयरन का एटॉमिक मास आया वो कितना आया आपके पास, 56 आया, तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए 0.02 मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए यहां से। चलिए इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू, अगर मैं इसमें पुट कर दूं एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू मुझे पता होगी तो एन की वैल्यू मुझे आ जाएगी, मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना, एवोगाड्रो नंबर है, होता है कि नहीं। तो अब आपके पास ये क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं, 0.02 जो अभी आपने फाइंड आउट की है, इनटू इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं एन अपॉन एन ए, यही आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए एन अपॉन एन ए, तो अब आपके पास क्या आ गया, एन ए की वैल्यू क्या होती है, 6. एन ए की वैल्यू हमारे, हमें पता है कि एन ए इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स के इक्वल होती है एन ए की वैल्यू, क्लियर है, जो कि 1 मोल के इक्वल भी होता है ना। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.02 इज इक्वल टू एन अपॉन 6.022 इंटू 10^23 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए अच्छे से, ठीक है। तो n को वहां पे रखेंगे, इस पूरी टर्म को उधर लेके जाते, तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू, n किसके इक्वल हो गया, 0.02 इंटू 6.022 इंटू 10^23 इसके इक्वल हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ एटम्स। तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.12044 एटम्स, या आपके इतने एटम्स प्रेजेंट हैं आपके किसमें, 1.12 ग्राम आयरन के अंदर, क्लियर है ये। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप 36 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। 36 ग्राम ग्लूकोज में आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है, बिल्कुल लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसके जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन क्या क्या है आपको, ठीक है। आपको मास यहाँ पे W गिवन है कितना, 36 ग्राम, गिवन मास इज इक्वल टू योर वेट, है ना, गिवन मास आपका क्या होता है, वेट ही तो होता है। तो गिवन मास आपको कितना गिवन है, 36 ग्राम गिवन है, ठीक है। निकालने क्या है आपको, नंबर ऑफ एटम्स, अब आपने फिर से वही करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो आपको दो फॉर्मूले पता ही है, एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है आपकी, एन एन दोनों कॉमन है, आप इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, डब्ल्यू अपॉन एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, आपका तभी क्वेश्चन सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका भी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बट मैं आपको एक इस फॉर्मूले से करके बता रही हूँ, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, सो दैट कि आपको एरर के चांसेस बहुत कम हो जाए, क्लियर है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, जहां पर हमें क्या चाहिए, गिवन मास हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास किसका, C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1
हाइड्रोजन का 1 रहता है प्लस 6 इंटू 16, ठीक है। तो ये टोटल फाइंड आउट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, 180 यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। ओके, तो बस अब मॉलिक्यूलर मास अगर आपके पास आ गया तो वैल्यूज पुट करिए। तो वैल्यूज क्या हो गया, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ये होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो w हमें कितना गिवन है, 36 डिवाइडेड बाय, 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 180 से। ओके, 36 को जब मैंने 180 से डिवाइड किया तो ये किससे कैंसिल आउट हुआ, 0.2 से। ओके, यहाँ पे मेरे पास n की जो वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू 0.2, मेरे पास जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 0.2 n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब जब हमारे पास 0.2 n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू n अपॉन na, है ना। तो यहाँ पे पुट करो 0.2 इज इक्वल टू एन अपॉन 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। ओके, देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, एन की वैल्यू निकाली है 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। आपने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका फिर से आंसर कितना आ गया, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.2044 इंटू 10 पे पावर 23। ये आपकी वैल्यू आ गई नंबर ऑफ एटम्स की। इसका मतलब अगर आप बोले 36 ग्राम ग्लूकोज में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 36 ग्राम ग्लूकोज में 1.2044 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स प्रेजेंट हैं 36 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है वो स्टेप बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही अच्छे से मुझसे कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, नाउ राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। चलो स्टूडेंट्स, अब एक नया और अच्छा सा कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ H2SO4, है ना, अगर मैंने बात करी 1 मोल H2SO4, तो इसका मतलब है इसमें 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, 2 एटम्स हाइड्रोजन के, और 1 एटम इज जो कि इक्वल होगा 1 एटम किसका होगा, 1 एटम ऑफ सल्फर, ठीक है, 1 एटम सल्फर का है। और वहीं पे अगर मैं इसको इक्वल करूं कितने, अब रह गया ऑक्सीजन, ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, क्लियर है ये बात। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान देना। अगर मैंने बोला 1 मोल H2SO4, मैंने 1 मोल H2SO4 की बात करी है, तो 1 मोल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये मैंने लिख दिया बहुत अच्छे से, क्लियर है ये सबको। अब अगर मैं बात करूं कि एनए मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है, मैंने बोला एनए मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, अब मैंने एनए मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 की बात कर दी है, एनए मॉलिक्यूल्स की बात करी है H2SO4, तो हम क्या करेंगे, मैं जो 2 एटम्स से उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, एनए से, 2 इंटू एनए मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू एनए एटम्स ऑफ H2SO4, ठीक है, ऑफ सॉरी H, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स आ गए, इज इक्वल टू, वहीं पे हम लिख सकते हैं 1 इंटू एनए एटम्स ऑफ सल्फर, सल्फर के एटम्स आ गए, और वहीं पे मैं आगे क्या लिखूंगी, 4 इंटू एनए एटम्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन के, यही होगा कि नहीं, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। पहले मैंने बोला 1 मोल H2SO4 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, 1 सल्फर के इक्वल है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में 1 सल्फर गिवन है, और 4 ऑक्सीजन के इक्वल थे क्योंकि आपको 4 ऑक्सीजन गिवन है। अब मैंने अगर सेकेंड स्टेप में बोल दिया कि एनए मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, एनए मॉलिक्यूल्स आपके H2SO4 के, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एनए, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय आपका एनए एवोगाड्रोस नंबर से, तो 2 इंटू एनए मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एनए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, 1 इंटू एनए एटम्स ऑफ सल्फर एंड 4 इंटू एनए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये इसी को चेंज करके अगर मैं बोल देती हूँ नेक्स्ट थर्ड स्टेप में, अगर मैं बोलती हूँ कि 1 मोल ऑफ H2SO4, अब मैं यहां पर कितने मोल्स की बात कर रही हूं, 1 मोल H2SO4 की बात कर रही हूं, तो 1 मोल H2SO4 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू कितने मोल, एग्जैक्टली 2 इंटू करने, 2 इंटू 1 मोल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, तो इस एवोगाड्रोस नंबर को हटा के मैंने 1 लगा दिया, एक ही बात है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं इसको लगाऊं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नॉट एटम की बात हो ही नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे मोल आ गया। तो अब नेक्स्ट में अगर हम मुझे लिखना हो तो सल्फर की बात करें तो किसके इक्वल होगा, 1 मोल सल्फर के इक्वल होगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 मोल किसके इक्वल होगा, ऑक्सीजन के इक्वल होगा,
क्लियर है सबको ये बात, फोर मोल किसके इक्वल होगा आपके, ऑक्सीजन के इक्वल होगा फोर मोल्स, ठीक है। तो अगर जब मैंने एक मोल H2SO4 में दो हाइड्रोजन के एटम्स से, एक एटम सल्फर का था एंड फोर ऑक्सीजन के एटम्स से, वहीं पे अगर मैंने Na के टर्म्स में पूछ लिया तो 2 into Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 into Na एटम्स ऑफ सल्फर, 4 into Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और अगर मैंने मोल बोल दिया तो Na को हटा के आपने क्या लगा दिया वहां पे, मोल लगा दिया, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपके मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल जैसे H2SO4 में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है वो किसके इक्वल होंगे, वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे, ऑफ एटम्स, उन एटम्स के मोल के इक्वल होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे इन वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। क्या ये बात क्लियर है सबको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, की जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स में, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके मॉलिक्यूल्स में वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मोल है वो आपके नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको ऑक्सीजन का मास निकालना है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो अब आपको गिवन क्या है यहां पे, सबसे पहले तो हमने वही लिखना है, गिवन क्या आपको, वेट गिवन है कितना, 90 ग्राम, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एन आपको निकालना, मास निकालना है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो गिवन मास हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसका, हमें मास निकालना है ऑक्सीजन का और हमें मास गिवन है वाटर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, H2O होता है, H2O मतलब 2 into 1 plus 16 = 18 यूनिट्स, ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया, किसका, वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपका आ चुका है, क्लियर है। तो बस वैल्यूज पुट करिए, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, ये कितना होगा 90 upon 18, ठीक है, कैलकुलेट करके आपकी जो वैल्यू होगी, 18 5 कितना होता है 90, तो इसका मतलब यहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं, वाटर के आए हैं ना 5, तो वाटर के अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके 5 आ गए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, जो भी हमने कंसेप्ट सीखा उसी के बेसिस पे हम बताएंगे। देखिए H2SO4 होता है, सॉरी H2O होता है वाटर, ठीक है, H2O आपका वाटर है, तो वाटर का अब आप कैसे लिख सकते हो, वाटर के अंदर क्या है आपके पास, 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होंगे, वन एटम किसका, अब आपके पास H2 में 1 atom ऑफ ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन, 1 atom ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसको मोल में लिखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी, 2 into 1 mole ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 into 1 mole ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यही चीज हमने देखी थी ऊपर H2SO4 को जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो आपके पास मोल हाइड्रोजन का आ चुका है, कितना आया है 5, तो 2 into 5 इज इक्वल टू 10 mole ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मोल्स आपके आ गए आपके पास, 10 mole आ गए, और ऑक्सीजन के कितना आ गए, 1 into 5, ठीक है, 1 into 5 किया तो कितने मोल्स आ गए, 5 mole आ गए, तो ऑक्सीजन के टोटल मोल्स कितने आ गए आपके पास, 5 आ गए, ठीक है। तो अब बस करना क्या है, वैल्यूज पुट करिए, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हाइड्रोजन के, जो कि कितने आ गए आपके, 10 mole, 10 mole आ गए, ठीक है, तो 10 mole आपके हाइड्रोजन के आ गए हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के जो आपने फाइंड आउट किए थे वो कितने आ गए, 5 mole, ठीक है, ऑक्सीजन के जो आपने मोल फाइंड किया है वो आपके 5 mole आ गए। यहाँ पे O2 नहीं लिखते क्योंकि वाटर के अंदर एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो देखिए फिर नंबर ऑफ मोल्स है तो आगे हम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, N = W/m, है ना। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक मास क्या रहता है आपका, 1, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 10 है, W आपको फाइंड आउट करना है, 1 आ गया मतलब मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास आपका 1 आ गया, तो बस इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 into 1 = W, ठीक है, तो वेट आपका कितना आ गया, 10 ग्राम, क्लियर है ये बात।
ओके okay? और वहीं पर अगर हम देखें कि ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर भी डायरेक्ट वही फॉर्मूला पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स 5 गिवन है तो W अपॉन m, 5 वैल्यूज पुट करेंगे, W अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 × 16 इज इक्वल टू W, ठीक है, तो 5 × 16 का कितना हो गया 80 ग्राम्स, तो यहां पर जो आपके W की वैल्यू आ गई, वेट की वैल्यू आ गई, वो कितनी हो गई 18 ग्राम्स, ठीक है, तो ये कंबाइन करके क्या बनेगा आपका H2O, वाटर, हाइड्रोजन जो है यहां पे वो डबल फॉर्म में है, ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन मतलब, तो टोटल करें अगर इसका वेट तो 10, दो हाइड्रोजन है तो 10 + 10 + 80, ठीक है, तो आपका ये टोटल कितना हो गया 100 ग्राम, क्लियर है, तो ये आपका टोटल कितना हो गया आपका 100 ग्राम, इसका मतलब जो आपका H2O है हमने उसकी कंपोजिशन, उसका ग्राम यहां से फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।